फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं जहाँ पे, इस जगह का नाम है कदम रसूल मस्जिद। ये 1531 में बनकर तैयार हुआ था। कहा जाता है यहाँ पे हजरत मोहम्मद का पैर का चिन्ह जो है रखा हुआ था। ये अभी यहाँ से जो जैसे पता चलता है, इस पर्टिकुलर एरिया का किसी खादिम के पास ये पद चिन्ह अभी भी रखा हुआ है। इसका नाम है कदम रसूल मस्जिद। औरंगज़ेब का जो सेनापति हुआ करता था दिलवार खां, उनका बेटे का समाधि है। उनका बेटे का नाम है फतेह खां, उनका समाधि है इसी जो स्ट्रक्चर इसके अंदर। यह है कदम रसूल मस्जिद। जैसे पहले भी बताया था मैंने, इस मस्जिद के अंदर हजरत मोहम्मद के पैर का चिन्ह जो है यहाँ पे रखा हुआ है। कदम रसूल मस्जिद जो आप लोग देख पा रहे हैं, हजरत मोहम्मद का एक फुटप्रिंट है, जो कि यहाँ के सुल्तान हुआ करते थे। वो लोग हज में जब गए थे अरब कंट्री में, तब वहाँ से ये फुटप्रिंट लेके आए थे। ये क्लोज से आप लोगों को दिखा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ फोटोग्राफी अंदर मना है, तो जितना दूर से हो सकता है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग आइए और विज़िट कीजिए, प्लेस हिस्टोरिकल प्लेस है। बहुत हिस्ट्री के हिसाब से, बंगाल के इतिहास के हिसाब से ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, गौर सिटी। दोस्तों, यहाँ घूमते घूमते गौर सिटी में घूमते घूमते जहाँ पे हम अभी पहुँचे, इस जगह का नाम है फिरोज मीनार। ये जो सामने मीनार देख रहा है, एक मीनार, ये इसका नाम है फिरोज मीनार। यहाँ का गेट एक्चुअली बंद करके यहाँ का सिक्योरिटी वाले गायब हो गए, इसीलिए हम अंदर नहीं जा पा रहे। बाहर से ही थोड़ा सा फोटो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ का जो हिस्ट्री है, इसमें यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो जैसे हमको अभी पता चला कि ये फिरोज मीनार तो है इसका नाम, लेकिन इसको तुलसी मीनार भी कहा जाता है। कहते हैं कि अगर किसी का पिता माता देहांत होने के बाद यहाँ पे बत्ती जलाने के लिए आते हैं। हर चीज़ में मिक्स है। शशांक के राज में, शशांक के जब राज था, उसी राज के टाइम पे ये सारा आर्किटेक्चर बना हुआ है। उसके बाद इसको तोड़ तार के जो मुस्लिम सुल्तान आए, वो लोग फिर अपने हिसाब से सारा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। ये फिरोज मीनार जो दिखा रहा था, देखिए दूर से दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर एक त्रिशूल बना हुआ है। काफ़ी दूर है, मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तुलसी मीनार हुआ करता था। दोस्तों देखिए, यहाँ पे खजूर का रस लगाया जा रहा है। ये अभी लगाएंगे, सुबह आके निकालेंगे। खजूर का रस, बहुत मीठा मीठा रस सुबह मिलता है यहाँ से। हर एक आर्किटेक्चर में आप लोगों को एज ए हिंदू मुस्लिम मिक्सचर एविडेंस मिलेगा। मतलब हिंदू राजाओं का बनाया हुआ, मुस्लिम सुल्तानों का कब्जा किया हुआ। तो दोस्तों, फिरोज मीनार देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं दखल दरवाज़ा की तरफ। ये सारा का सारा जो है ये गौर सिटी में है, और ये जगह जो है बहुत ही सुंदर, चारों तरफ इतना बढ़िया नेचुरल ब्यूटी है। मेरे साथ आज घूम रहे मेरे वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड है, जो मेरे साथ रहा करते थे एक ज़माने में, सुकांतो। दोस्तों, अभी मैं जिस दरवाज़े के सामने खड़ा हूँ, ये एक्चुअली गौर जो सिटी है उसके अंदर का प्रवेश, उत्तर दिशा के प्रवेश द्वार है ये, उत्तर दिशा के। ये बारबक शाह द्वारा निर्माण किया गया था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा। और ये 1459 से लेकर के 1474 के बीच में ये बनाया गया था। ये बहुत सुंदर दरवाज़ा का अवशेष है। ये ऊपर काफ़ी ऊंचा हुआ करता था, लेकिन अभी जितना बचा हुआ है उतना दिखा पा रहे। हर स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब हिंदू धर्म का चीज़ें मौजूद है, उनका डिज़ाइन, मूर्ति, बहुत सारे जो हिंदू धर्म से रिलेटेड सामान लगाया हुआ है ऐसे दीवारों पे, साफ साफ देखने को मिलता है। जो यहाँ के सुल्तान हुआ करते थे, वो लोग अपना मतलब पावर अप्लाई करके इसके ऊपर कुछ और कंस्ट्रक्शन कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, नाम बदल दिया, जो भी किया हो,
लेकिन ये जो गौर सिटी है ये 100% हिंदू राजाओं के द्वारा बनाया गया है। इसका एविडेंस हर एक आर्किटेक्चर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे फैला हुआ है, काफ़ी डिस्टेंस में है सारा जो ये आर्किटेक्चर है, तो पैदल नहीं घूम सकते, कन्वेंस एक चाहिए हर हालत में। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट डेस्टिनेशन पर। दोस्तों अभी हम जिस आर्किटेक्चर के सामने खड़ा है इसका नाम है बारो द्वारी, मतलब 12 दरवाज़ा, और एक दूसरा नाम भी इसका है बोरो सोना मस्जिद। ये 1526 में बनकर तैयार हुआ था। ये नसरत शाह का वन ऑफ द बेस्ट मतलब बनाया हुआ चीज़ है। ये जो मैं इंफॉर्मेशन बताया है ये अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अंदर 12 दरवाज़ा है, इसीलिए इसका नाम बारो द्वारी, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि अभी 11 दरवाज़ा है। ये देखिए ये जो मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा, जिसका इधर वाला दीवार टूट चुका है और छत भी टूट चुका है। बीच में ये पिलर हुआ करता था जिसका बेस अभी दिखाई दे रहा है, बाकी सब टूट गया है। और एक्चुअल हिस्ट्री भी यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है। एक बोर्ड लगा के रख दिया गया है इन्फॉर्मेशन, उसमें 4 लाइन का लिखा हुआ है, लेकिन कितना ऑथेंटिक है उसमें भी शक है। जो यहाँ पे हर मस्जिद पे, जो मस्जिद बोल के अभी है, हर मस्जिद पे आपको हिंदू धर्म के एविडेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसे अभी नहीं है, अभी इस एक ही जगह हमको मिला है, यहाँ पे कोई हिंदू धर्म का एविडेंस अभी तक नज़र नहीं आया। बाकी हर एक ये जो गौर सिटी में हर एक मस्जिद जिसका नाम दिया गया है या मस्जिद है, सब में है। सबको देख के अब खुद ढूंढ के निकाल सकते हैं कि ये क्या हुआ करता था पहले और अभी क्या है। दोस्तों जैसे पहले मैंने कहा था, ये इस मस्जिद के अंदर 12 दरवाज़ा है। इसका कॉरिडोर जो अंदर जो अभी अवशेष है पूरा एज इट इज़, देखिए कितना सुंदर है। तो फ्रेंड्स अभी हम ये बारोद्वारी मस्जिद जो है, बड़ा सोना मस्जिद, यहाँ से हम बाहर की तरफ जाने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि शाम होने वाला है। ये ऊपर देखिए चांद दिख रहा है। ये एक दरवाज़ा ही है मुझे लग रहा है, उधर एक दरवाज़ा है, ऐसे चारों तरफ तो 4 दरवाज़ा है ही, 11 दरवाज़ा सामने दिख रहा है। देखिए ये जो आर्च है, एक एक ये गेट है अंदर जाने के लिए। तो ये गौर सिटी में जो जो कुछ आर्किटेक्चर था वो सब आप लोगों को मैंने घूम के दिखाया। अभी हमारा वापस जाने का समय हो चुका है, अभी हम बाहर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बड़ा सोना मस्जिद के साथ साथ हमारा गौर घूमने का जो प्रोग्राम आज यहीं पे समाप्त तो होता है। जितना हो सकता था उतना हम सारा गौर घुमा के आप लोगों को दिखाया। यहाँ का इतिहास जो है बहुत पुरानी इतिहास है, आप चाहे कहीं से भी इसको रिसर्च कर लीजिए। बंगला जो वेस्ट बंगाल का हिस्ट्री का ये इतिहास भी बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है, आप लोग कहीं से भी रिसर्च करके इसको देख सकते हैं और आके तो देख ही सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया हिस्टोरिकल प्लेसेस है ये वेस्ट बंगाल का। तो आप लोग आइए और देखिए, घूमिए, बहुत इजीली आ सकते हैं यहाँ। कलकत्ता से डायरेक्ट ट्रेन है मालदा सिटी के लिए, वहाँ आइए और मालदा सिटी में आकर के वहाँ से बाई कार आप ये सारा जगह घूम सकते हैं एक ही दिन में। पहले भी बताया पांडुआ एंड गौर सिटी, ये दोनों जगह है घूमने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ दूसरा किसी वीडियो के साथ दूसरा किसी डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए बाय।